Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, Wapi. So student, ki jaisa lecture second mein humne jis point par hamara discussion chala tha, humne jo padha tha, wo tha empirical molecular and structural formula of the compound. Aur lecture one mein humne bataya ki compound diya gaya to is element ka mass percentage calculate karte kaise. सेकेंड पार्ट में हमने ये बताया कि अगर मास परसेंटेज ही एलिमेंट का दिया तो कंपाउंड कैसे फाइंड करेंगे, प्लस जो कंपाउंड होता है उसको हम वर्ड जो देते हैं उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में फॉर्मूले भी तीन टाइप के बताए गए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला. किसमें क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ए टू जेड सारी डिटेल्स बता दी गई. अब हम आज स्टडी करेंगे नाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन सॉल्यूशन. मींस एक सॉलिड को जब सॉलिड में डाला जाता है वो डिसॉल्व होकर किस टाइप का मिक्सचर बना रहा है, होमो और हेटेरो. अगर होमोजेनियस बना रहा है तो दैट्स क्लियर है, सो व्हाट इंप्लाइज करेंगे हम सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के पॉइंट को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि नॉर्मल तरीके से ये पॉइंट जो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ये स्टैंडर्ड 11th और 12th दोनों में कॉमन है. स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 2 सॉल्यूशन में हमें वापस अगले साल पढ़ना है, तो नो डाउट कॉन्सेंट्रेट करके आप वीडियो को देखोगे, सारे पॉइंट्स को केयरफुली स्टडी करोगे एंड उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है अच्छे से प्रैक्टिस करोगे. सो स्टूडेंट मैंने राइट किया है ऑलरेडी कि देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन सॉल्यूशन और रिएक्शन अकर इन सॉल्यूशन. बोलते कि द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. मतलब जो अमाउंट हम सॉलिड का सॉल्वेंट में डालते हैं, डिसॉल्व कराते हैं, उस अमाउंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, इन टर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. अब टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की बात करें उससे बिफोर हमें पहले ये जान लेना जरूरी है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड क्या है एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, देन हम आएंगे यहाँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन बोलते क्या, द होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. वर्ड यहां पर एक नया आया जिसका साथ कुछ लोगों को डाउट भी हो कि सर उन्होंने बताया नहीं, आगे पॉइंट निकल गए, हम तो अभी जस्ट शुरू किए हैं, हमें एक एक पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा. सो स्टूडेंट कम यहां पर आपको शायद कुछ लोगों को पॉइंट माइंड में होगा बट साथ कुछ लोगों को ना भी हो तो टर्म क्या पढ़ेंगे हम, होमोजेनियस. एज एग्जाम्पल मैं आपको लेकर यहां समझाने जा रहा हूं कि टर्म होमोजेनियस प्लस सॉल्यूशन क्या है. तो आपको स्टूडेंट क्या करना, नाउ शुगर, अगर मैं शुगर को वाटर में ऐड कर दूं, अगर शुगर को वाटर में ऐड कर दूं, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लें और व्हाट होमोजेनियस क्या है सारी चीज पता चल जाएगी. शुगर प्लस वाटर को मिलाए तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा. स्टूडेंट अगर मैं बोलूं कि आप ही को एज एग्जाम्पल दे देता हूं, आप कहीं बैठे हो, सपोज दैट स्टडी रूम में बैठे हो, पढ़ रहे हो, अगर आपके पेरेंट्स कोई क्या करे, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में शुगर को वाटर में डाल के जब पार्टिकल दिखे ही ना और लाए बोले बेटा ये लो या ये बताओ क्या है, बोलोगे वाटर है, क्योंकि आप ऐसे देखकर बता नहीं सकते कि उसमें शुगर डिजॉल्व है. तो बस हो गया, यही हमारा होमोजेनियस मिक्सर है. मीन्स अगर मैं बात करूं कि ये ग्लास ऑफ वाटर हो गया जिसके अंदर शुगर डिजॉल्व किया गया, टर्म होमोजेनियस सीखना है तो सबसे इजी तरीका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से लिक्विड को निकालो, जब शुगर के पार्टिकल इसमें कंप्लीट क्या हो जाए, डिसॉल्व हो चुके, अब यहां से यहां से यहां से निकाले गए लिक्विड को अगर हम टेस्ट लें तो क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा, होगा क्या भाई, एक ही बेसल के अंदर है, सब जगह से निकाले गए लिक्विड का स्वीटनेस सेम होगा. अब ऐसे केस में आप समझ सकते हो कि आने वाले शुगर के पार्टिकल
यूनिफॉर्म फेज में थ्रू आउट द फ्रैक्शन क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए. तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर. अब यहां पर बात होगी होमोजेनियस मिक्सचर की, तो मैं बात करूं अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है तो कंफर्म है उसमें एक होगा क्या सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट, राइट. और ऐसे सॉल्यूशन का नेम भी देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन ये बताता है कि जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. तो अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड देन नाउ केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन सॉल्यूशन, उसके बेस पर जो भी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है. सो स्टूडेंट पॉइंट को आगे मैं बढ़ा रहा हूं और यहां पर हम पॉइंट को देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स इससे रिलेटेड है और कौन सी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें पढ़ना है. तो बात करें आप हम अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज सॉल्वेंट. बोलते क्या द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस क्वांटिटी आर लेस प्रोपोर्शन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट. तो सेकेंड टर्म होगा क्या सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या होगा, बस इसका अपोजिट जहां हमने लिखा है कि दैट कंटेन लेस क्वांटिटी प्रोपोर्शन वहां हम राइट कर देंगे मोर प्रोपोर्शन, तो देन सेकेंड कंपोनेंट हो जाएगा सॉल्वेंट. सो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन व्हाट मोर प्रोपोर्शन मोर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट, दैट कंटेन लेस प्रोपोर्शन लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट. एंड द अमाउंट ऑफ such solvent present in the given quantity of solvent or solution or expression in term of concentration. In term of concentration. And the quantity of solute in solvent को हम जब measure करते हैं जिन unit से उन्हीं unit का name लिखते हैं unit of concentration of solution. तो आज का topic हमारा यही है कि unit of concentration of solution क्या होगा और मैं बताऊं कि इसके आगे बहुत सारे डिटेल है अबाउट द सॉल्यूशन, मैं उनको भी थोड़ा आपको बता देता हूं. तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आप फेमिलियर हो गए, कोई सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है बाइनरी सॉल्यूशन, तीन कंपोनेंट है टर्नरी सॉल्यूशन. इन सच वे आगे बढ़ेंगे जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो अगले साल भी हमें पढ़ना, तो मैं यहां इंट्रोड्यूस करा दूं देन आते पॉइंट पर. तो सॉल्यूशन के कुछ नेम भी दिए गए जैसे लाइक मैंने अभी राइट किया आपको कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट इससे क्या समझते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, बोलते क्या है द सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड की क्वांटिटी ऐड कर या डिसॉल्व ना हो तो दैट इज का सू व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो आप समझ सकते हैं सेकेंड पॉइंट में अगर हम स्टडी करने जाए तो हमें लिखना पड़ेगा क्या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन डिफाइन करना तो हम स्टूडेंट यही बताएंगे द सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी की जगह नो निकालेंगे मोर क्वांटिटी, मीन्स द सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी सॉल्युबल इज कॉल्ड व्हाट अनसैचुरेटेड. So, the solution in which more quantity of solute can be soluble
is called unsaturated solution. एक थर्ड सॉल्यूशन होगा जिसे हम वाट देंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टूडेंट एक ऐसा सॉल्यूशन जहां सॉलिड की क्वांटिटी सॉल्वेंट से ज्यादा हो उसे वाट देते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड को हम डिजॉल्व एड करें तो डिजॉल्व ना हो, जिसमें हो दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। और एक ऐसा सॉल्यूशन जहां सॉलिड की क्वांटिटी नाउ प्रेजेंट इन मच मोर अमाउंट इन कंपेयर टू द मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। सोच रहे हैं ऐसा कौन सा एग्जांपल? अभी सर ने बताया कि सॉलिड उसी को बोलते हैं जो लेस क्वांटिटी में सॉल्वेंट उसी को बोलते हैं जो मोर क्वांटिटी में होता है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? भाई पॉसिबल है, जब भी कोई फेस्टिवल आता हमारे घरों में डिफरेंट काइंड के स्वीट्स बनती हैं, उसके लिए हम चाशनी तैयार करते हैं। आप सोचो वहां शुगर बहुत ज्यादा होता है, वाटर बहुत कम होता है, फिर भी वहां शुगर क्वांटिटी ज्यादा किसकी है? शुगर की। तो सॉल्वेंट नहीं बन जाता भाई, तब भी वो सॉल्वेंट ही है। वाटर सॉल्वेंट है कम क्वांटिटी में, तो भी क्यों हो ऐसा? क्योंकि रियल पॉइंट ये है, अगर हम डेफिनेशन को ले रियल, तो दो सब्सटेंस को मिलाए जो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करेगा वो सॉल्यूट, और जो ना चेंज करेगा वो सॉल्वेंट। शुगर कितना भी हो, वाटर कितना कम की हो, शुगर ही सॉलिड से लिक्विड में आता, वाटर लिक्विड से सॉलिड में नहीं जाता मिलाने पर, तो बस हो गया। जो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करे वो सॉलिड है, और जो ना चेंज करे वो सॉल्वेंट है, दैट्स ऑल। तो अब हम बात करें ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? जहां पर सॉलिड की क्वांटिटी सॉल्वेंट से बहुत ज्यादा होगी। हम इसमें बहुत ध्यान आगे, बट वो अगले साल पढ़ेंगे आप 12th में। अभी 11th की बात करें तो अब यहीं से हम चेंज करेंगे टर्म्स को, और हम फाइंड करेंगे रिएक्शन इन सॉल्यूशन के बेस पर कुछ इक्वेशन, फॉर्मूले, न्यूमेरिकल्स। तो मैं आपको बता दूं कि इन सॉलिड जो है, ये सॉलिड जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इनकी क्वांटिटी जो है हर टाइप के सॉल्यूशन में अलग अलग, और इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन यूनिट को यूटिलाइज करते हैं उन्हें वर्ड देते हैं यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बोलेंगे सर किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? मैं बता दूं नेचर में सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं था शुगर एंड वाटर मिला दिया लिक्विड मिल गया। भाई सॉल्यूशन नेचर में 9 टाइप के होते हैं। नाउ 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ऑल 3 आर मिसेबल टू ईच अदर, सो ईच स्टेट कैन बी डिजॉल्व इन 3 अदर स्टेट। तो कितने हो गए? 3 सॉलिड डिजॉल्व इन सॉलिड लिक्विड गैस, 3 सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, 3 6 हो गए। गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड हो गया, सॉरी सॉलिड इन गैस हो गया, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। वंस अगेन रिपीट करूं स्टूडेंट, शायद डाउट होगा, नेक्स्ट हम डिटेल पढ़ेंगे, बट अभी मैं बता दूं आपको 3 स्टेट का मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ऑल 3 आर इंटरमिसिबल टू ईच अदर, मिसिबल है, आपस में मिक्स होकर होमोजेनियस मिक्सचर बना सकती हैं, हेट्रोपी बनाती है, ऐसा नहीं है, बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। तो क्या होगा? सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, क्लियर? एंड सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस, तो दैट्स क्लियर है। टोटल 9 टाइप के, हर टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, उन सॉल्यूशन में क्वांटिटी क्या होती है सॉलिड के? डिफरेंट होती है। अब उन क्वांटिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम जिन यूनिट को यूटिलाइज करते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके टर्म में मैं पहला राइट करने जा रहा हूं, दैट इज कंसिडर परसेंटेज बाय मास, जिसे हम डिनोट करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट से। दूसरा पॉइंट यहां है, पहले मैं एक बार राइट कर लूं सारी यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या है, कितनी पढ़नी है, कितनी नेक्स्ट ईयर पढ़नी है। दूसरा है यहां पर परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम दैट इज डिनोटेड बाय वेट बाय वॉल्यूम,
थर्ड यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन्स परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्ट्री एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोलैरिटी रिसल्ट पढ़ना है हमें काफी डिटेल में स्ट्रीम फिफ्थ है मोलैरिटी ये भी पढ़ना है इस साल नंबर सिक्स आएगा आपका मोल फ्रैक्शन ये भी पढ़ना है डिनोटेड बाय एक्स एंड सेवन की बात करें तो नॉर्मेलिटी ये भी पढ़ना है बट दोनों से आपको मिले बट हमें अदर एग्जाम के लिए जैसे नेट जे के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ेगी बोर्ड में नहीं है एंड देन एट पार्ट की तरफ चलते हैं और यहां पर है पीपीएम और पीपीबी पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर मिलियन एंड लास्ट बात करते हैं जो हमें पढ़ना है वह है फॉर्मेलिटी किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर पिकोमीटर नैनोमीटर गीगामीटर माइक्रोमीटर एंगस्ट्रॉम वाई इतनी सारी यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्यों यूज करते हैं भाई हम क्या करते हैं कहां पर किसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मेजर करेंगे अब आपको उससे कोई बोले कि आपके हेयर की लेंथ क्या आप क्या बताओगे दिस किलोमीटर दैट्स इज रॉन्ग नॉट इज रॉन्ग बट थोड़ा हार्ड लगे हमें इसको सेंटीमीटर बताना उचित मिलीमीटर बताना उचित माइक्रो भी रॉन्ग है क्योंकि हार्ड लगेगा यार क्या मेजर करें तो इसी तरह हर सॉल्यूशन में जो नाइन टाइप के सबने यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है यूज करेंगे जहां पर उनकी क्वांटिटी कितना डिसॉल्व हो रहे उसके बेस पर जाएंगे सो स्टूडेंट चालू करते हैं फर्स्ट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शन सो स्टूडेंट इस पॉइंट पे जाते हैं पहला है परसेंटेज बाय मास मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट मीनिंग क्या है मतलब ये हो गया कि वन पार्ट इन हंड्रेड पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट तो इसको सिंपल तरीके से मैं राइट कर रहा हूं क्या व्हेन 1 ग्राम मास ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन नॉट डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज वेट बाय वेट means percentage weight by weight is equal to mass of that component or solid taken in gram into 100 divided by mass of solution in gram so student इसका meaning क्या है ऐसे example कुछ point में समझा दूं आपको अगर किसी न्यूमेरिकल कहीं पर दिया है व्हाट आई मीन पूछ दिया आपसे 10% वेट बाय वेट यानी हो गया सॉल्यूशन तो आप क्या समझते इसका मीनिंग इसका मीनिंग यही हो गया बेटा कि ये जो 10 दिया है दैट इज द 10 ग्राम सॉलिड और प्लस 90 ग्राम सॉलिड 10 ग्राम सॉलिड एंड 90 ग्राम किसी में दे दिया जैसे अभी एक और एग्जांपल दे देते हैं अगर मुझे दिया है कि 20% वेट बाय वेट सोडियम कार्बोनेट तो आप क्या समझोगे कि नाउ 20 ग्राम क्या करना शुरू 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट नाउ एडेड इन 80 ग्राम एक्वा सॉल्यूशन अगर हमने राइट कर दिया तो राइट करेंगे 80 ग्राम वाटर तो जो वैल्यू दी है परसेंटेज में दैट इज द मास ऑफ द गिवन सॉलिड इन सॉल्यूशन सो परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज वेट बाय वेट ये पहला यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया मैं आपको यहीं पर समझा दे रहा हूं कि जो परसेंटेज की बात है तो यहां ऐसे ही तीन टर्म्स लेंगे हम और तीनों टर्म्स के पॉइंट्स मैं समझाने जा रहा हूं इन तीनों को एक साथ करो
पहला फॉर्मूला स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। तो मैं परसेंटेज कंपोजिशन के टर्म पर तीनों को साथ में उठा रहा हूं पॉइंट और समझाने जा रहा हूं। तो परसेंटेज कंपोजिशन और परसेंटेज है, परसेंटेज कितने पॉइंट्स हो गए यहां पर, टोटल हो गए तीन। टेकर एक हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज बाय मास। दूसरा हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब इसका मतलब हो गया वन पार्ट इन हंड्रेड पार्ट। परसेंटेज का मीनिंग पर पार्ट हो गया, वन ग्राम मास इन हंड्रेड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पर हो गया क्या, हम राइट करेंगे वन पार्ट बाय वॉल्यूम इन 100 ml में डिजॉल्व कर रहे हैं और यहां पर 1 ml इन 100 ml सॉल्यूशन। मतलब टर्म्स चेंज क्या हो रहा है, वेट है तो वन पार्ट मतलब ये ग्राम मास हो गया, वो वॉल्यूम है तो ml ml में हो गया, वेट बाय वेट है तो दोनों क्या लिखेंगे, वन पार्ट इन 100 पार्ट मतलब 1 ग्राम इन 100 ग्राम में डिजॉल्व कर रहे हैं। अभी मैंने फॉर्मूला इसका राइट किया तो मैं तीनों का साथ में राइट कर रहा हूं जिससे आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूं। 1 ml ऑफ सॉल्यूट एडेड इन 100 ml सॉल्यूशन इज इक्वल परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन इज इक्वल परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एडेड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल परसेंटेज वेट बाय वेट। तो फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सॉलिड इनटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन टेकन इन ग्राम। इस पर आते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मींस मास ऑफ दैट सॉलिड टेकन इन ग्राम इनटू 100 डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज टेकन इन ml। इसको राइट करेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मींस परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ दैट गिवन सब्सटेंस सॉलिड इनटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज द फॉर्मूला है जो तीनों यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जो परसेंटेज के बेस पर है ये। सो स्टूडेंट इन तीनों पार्ट को अगर हम इसको लिख लें यहाँ पर पॉइंट इनके बेस पर जो भी न्यूमेरिकल होंगे हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। कहीं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछा हुआ तो ये दोनों मेंशन किया है, कहीं ये पूछ रहा है तो ये दोनों मेंशन किया हुआ, तो ये रेंज करके हम वैल्यू को कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, एंड नहीं होता वन टाइम टू टाइम रीड करो उनके बेस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करो, डेफिनेटली क्लियर होगा। सो स्टूडेंट इनके बेस पर चलते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, देन आपको पता चलेगा कि नहीं एक्चुअली है क्या परसेंटेज। तो पहले आपके टेक्स्ट बुक से ही उठाते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, तो मैं आपको बता दूं एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक का ही है एनसीईआरटी का, जिसमें आपको मेंशन किया गया है हमें फाइंड आउट करना मास परसेंटेज। तो मैं राइट करने जा रहा हूं, व्हेन टू ग्राम ए सब्सटेंस एडेड इन 18 ग्राम वाटर देन फाइंड द मास परसेंटेज सब्सटेंस। मैं बोलता हूं आपके टेक्स्ट में सब्सटेंस एक आप पूछा हम वाटर का भी निकल सकते। तो पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होगा ए प्लस, अगर हम इसका सॉल्यूशन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए मैं आपको राइट कर दूं एक सब्सटेंस ए है जिसको हम वाटर में ऐड कर रहे हैं और दोनों मिल कर क्या कर रहे हैं मिक्सर पर सॉल्यूशन बना रहे हैं। ए का दो हमने क्या लिया 2 ग्राम और इसका लिया 18 ग्राम, तो कंफर्म है कि मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना 20 ग्राम। अब हमें परसेंटेज मास परसेंटेज मतलब मास परसेंटेज का मतलब यही हो गया कि परसेंटेज वेट बाय वेट आपसे पूछ रहा है, परसेंटेज मास परसेंटेज पूछा जा रहा है, ना समझ में आए तो यहां पर मैं आपको राइट कर रहा हूं जो फाइंड द परसेंटेज का राइट करेंगे
वेट बाय वेट या परसेंटेज बाय मास। तो ऐसे केस में हमारा फॉर्मूला बनता है परसेंटेज मास गुणा वेट बाय वेट इज इक्वल टू हम लिखेंगे क्या मास ऑफ ए सब्सटेंस इनटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। सो स्टूडेंट जो वैल्यू होगी आप देखो 2 × 100 डिवाइडेड बाय अमाउंट 20 ग्राम मीन्स 200 बाय 20 मीन्स 10% वेट बाय दैट इज द फाइनल आंसर हमारा आ गया कि अगर हम 2 ग्राम को कोई भी सॉलिड को 18 ग्राम वाटर में ऐड करें तो उसका परसेंटेज वेट बाय वेट जो वैल्यू होगी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 10% वेट बाय वाटर। सो स्टूडेंट इसी के बेस पर एक और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर उसको चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं जो स्टैंडर्ड 12th में भी है वो न्यूमेरिकल और हम 11th में भी इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो दैट्स क्लियर है। इसको राइट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे स्टूडेंट देन आपका हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं एक और इस पर सॉल्व करते हैं हम। और मैंने जैसा बताया कि ये न्यूमेरिकल वापस रिपीट होंगे ये तो नहीं नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड 12th से ही रिलेटेड है क्योंकि ये कॉमन हेडिंग है 11th में भी पढ़ना है 12th में भी पढ़ना मैंने पहले ही बता दिया आपको। सो स्टूडेंट अब एक और एक न्यूमेरिकल राइट करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं हम इसको बोल रहे हैं कि फाइंड द परसेंटेज परसेंटेज वेट बाय वेट और बाय मास इफ 22 ग्राम बेंजीन इफ 22 ग्राम बेंजीन नॉट डिजॉल्विंग इन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें दोनों का मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम पहले सॉल्यूशन की बात करें तो हमें क्लियर है कि यहाँ पर बेंजीन प्लस CCl4 ये बेंजीन हो गया और ये हो गया अपना नेम है इसका कार्बन टेट्रा क्लोराइड दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना लें तो मैं आपको बता दूं कि ये 22 ग्राम है और ये 122 ग्राम है तो कंफर्म है इसका मास हो गया 144 ग्राम सॉल्यूशन। परसेंटेज मास फाइंड आउट करना है तो हम राइट करेंगे आपको देखो तो पहले राइट कर लेते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ बेंजीन तो बेंजीन का क्या राइट करेंगे बेंजीन का मास राइट करेंगे कितना है 22 ग्राम इनटू फॉर्मूले के करेंगे और मास ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 122 हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय 144 ये वैल्यू भी हो जाएगी 144। अब हम क्या करेंगे इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अब इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स आपको वैल्यू 15.28 मिलेगा परसेंटेज वेट बाय वेट तो दैट्स क्लियर है। अब परसेंटेज वेट बाय वेट किसका निकालेंगे परसेंटेज मास परसेंटेज मास निकालेंगे हम क्लोरोफॉर्म का सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका मास दिया है कितना 122 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 144 अब इसकी वैल्यू होगी 84.72% मतलब इसकी वैल्यू होगी परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू 84.72। इससे क्लियर हो रहा है परसेंटेज प्रोपोर्शन से थोड़ा ज्यादा है और ये कम है तो सॉलिड कौन होगा और सॉलिड कौन। सो स्टूडेंट इन पॉइंट्स पर हमने डिस्कशन किया आज एंड नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे अदर पॉइंट्स को भी स्टडी करेंगे जिसमें मोलैरिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ये हमारे होगा ये जैसा पार्ट 3rd है अब पार्ट 4 में इन पॉइंट्स पर स्टडी करेंगे ओके। सो पॉइंट को आगे बढ़ाने से पहले इन पॉइंट को मैं आपको रिमाइंड कर दूं आज हमने क्या पढ़ा अबाउट द सॉल्यूशन यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एक छोटा सा पॉइंट ओके थैंक यू स्टूडेंट।